एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज डे 5 है लद्दाख राइड का मेरी। अभी पेट्रोल फिल कराने आए, मॉर्निंग हो चुका है, ब्रेकफास्ट डन हो चुका है ऑलरेडी। आज करेंगे हम लेह सिटी टूर लोकल। तो अभी डिसाइड किया है हम लोगों ने कि पहले जाएंगे हम रेंचो स्कूल, जहाँ पर 3 इडियट्स की शूटिंग हुई है लास्ट सीन का। उसके बाद शे पैलेस एंड देन हॉल ऑफ फेम। अभी पेट्रोल फिल कराते हैं और चलते हैं आगे। झूले मैडम, झूले फुल कर दो टंकी। हाँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जो मोस्टली जितने भी पेट्रोल पंप वगैरह हैं, तो यहाँ पर फीमेल वर्कर और भी होते हैं यहाँ पर। बाकी आप लोगों ने कहीं और नहीं देखा होगा वैसे, ऐसा माइनर 1% का ही देखा हो तो मैं कह नहीं सकता, पर मैंने पहली बार ही देखा है यहाँ पर। ले सिटी में मोस्टली यहाँ पर शिफ्ट चलती है, तो फीमेल्स यहाँ पर डे में यहाँ पर वर्क करती हैं मोस्टली। ये यहाँ पे मैकेनिक कहाँ मिलेगा? मैकेनिक आगे किस रोड पे? किधर? एयरपोर्ट से पहले जाते हैं। इधर रोड, इधर जाना है, सीधे जाना है। यहाँ पर पेट्रोल की प्राइस है अराउंड 104, जबकि दिल्ली में जैसे कि अभी चल रहा है अराउंड शायद 96 या 97 चल रहा है। तो मतलब यहाँ पर 7-8 रुपये का डिफरेंस है अराउंड ले सिटी में पेट्रोल में। क्या हुआ? नहीं है पैसा? नहीं, आउट ऑफ सर्विस है। कोई बात नहीं, पहले पहले गाड़ी का सर्विस वगैरह करवा ले। इधर को लेफ्ट को बता रहा है वो। तो ये प्लान में हुआ सडन चेंज। पहले प्लान था कि लेकर लो मतलब ले सिटी लोकल टूर करेंगे मतलब सिटी का आज, पर क्या हुआ कि कल हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना है और आज तक ले में रुकने वाले हैं। तो सब लोग ने डिसाइड किया कि पहले सब लोग पहले अपनी गाड़ी का मतलब सर्विस वगैरह करा लेते हैं। किसी को ऑयल चेंज कराना हो, किसी को गाड़ी की सर्विस करानी हो, कोई इशू आ रहा हो बाइक में स्कूटी में, तो वो आज रिजॉल्व करवा लो, क्योंकि कल से जो है ना मैकेनिक नहीं मिल पाया कहीं भी। ये अभी ले सिटी में मतलब यहाँ पर हम अभी सर्विस वगैरह कराने जा रहे हैं। मैकेनिक बताया है, यहाँ पर पूछा है हमने किसी से मैकेनिक, तो मैकेनिक ढूंढने जा रहे हैं। मैकेनिक ढूंढ के पहले सर्विस कराते हैं, उसके बाद फिर बाकी ले सिटी का जो टाइम बचेगा उस टाइम के अकॉर्डिंग फिर हम ले सिटी करेंगे, लोकल टूर करेंगे। जो भी घूम सकते हैं पॉसिबल होगा वो घुमा देंगे आपको। बाकी देख सकते हो अभी पूरा ले सिटी का मार्केट रोड है मतलब, और ये वही रोड है जिस रोड से हम कल आए थे, जो ये रोड सीधा कारगिल कश्मीर जा रहा है मतलब। और जो मनाली वाला रास्ता है वो भी आपको दिखाएंगे हम कुछ देर बाद, कुछ टाइम के बाद। भैया ये मैकेनिक काम लेगा यहाँ पर? मैकेनिक इसका? हाँ, इसका तो ऊपर है, नीचे नहीं है। यहाँ तो गाड़ियों का ऐसे पेट्रोल पंप से मनाली रोड पे मिलेगा, फिर पूरा आगे ही है इसका तो। मैडम ये मैकेनिक कहाँ मिलेगा स्कूटी के लिए? मैकेनिक, मैकेनिक स्कूटी का? हाँ आगे मिलेगा। Yeah.
लो जी मिल गए मैकेनिक भैया, यहाँ पर सर्विस करा रहे हैं अभी स्कूटी की, फिर करेंगे ले सिटी का लोकल टूर। ये अपनी स्कूटी की सर्विस हो रही है क्योंकि कल से अपना अलग ही एडवेंचर स्टार्ट होने वाला है। कल से पूरा ले एक्सप्लोर करने वाले हैं हम बढ़िया करके। तो भैया से मैंने पूछा, मैकेनिक भैया से, उन्होंने बोला इनके पास फिल्टर नहीं है एयर फिल्टर, तो एयर फिल्टर चेंज नहीं करा रहा हूँ मैं, बाकी स्पार्क प्लग चेंज करवाया है मैंने और ऑयल इंजन ऑयल ये दोनों चीज़ें चेंज कराई। गाड़ी की सर्विस हो गई है और ऑलमोस्ट सभी की हो गई है, जगह जगह जहाँ जहाँ पर जिसको मिला वहाँ पर सबने सर्विस करवा ली और इसमें भी अच्छा खासा खर्चा हो गया भाई मेरा। चलो खैर कोई नहीं, घूमना तो है यार, और स्कूटी जब परफेक्ट तरीके से चलेगी तभी तो मज़ा आएगा घूमने में। और बाकी कुछ लोगों ने पेट्रोल रिफ़िल नहीं करवाया था, वो लोग रिफ़िल कराने आए हैं, पेट्रोल अभी रिफ़िल सब ने करा लिया ऑलमोस्ट। अभी हम निकल रहे हैं ले सिटी के लोकल टूर के लिए और अभी सबसे पहले हम जा रहे हैं रेंचर स्कूल। तो रेंचर स्कूल के लिए निकल चुके हैं हम सब लोग, 7-8 लोग हैं हम, बाकी लोग कुछ और जगह दूसरी जगह गए हैं एक्सप्लोर करने। हम लोग रेंचर स्कूल जा रहे हैं जो कि है ले सिटी से अराउंड 20-25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और ये रोड जो देख रहे हो आप लोग, ये रोड है मनाली वाला रोड, ये रोड सीधा मनाली जा रहा है सीधा, तो मनाली वाले रास्ते में ही पड़ता है रेंचर स्कूल जो पड़ता है। रोड यहाँ का तो काफ़ी अच्छा है यार, बहुत अच्छे मेंटेन किए हुए हैं यहाँ पर। ये मतलब नीचे को थोड़ा ढलान सा है यहाँ पर, जहाँ पर जिस टाइम गाड़ी चला रहे हैं नीचे को उतर रहे हैं, मतलब थोड़ा आपको कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा होगा इतना, पर नीचे को उतर रहे हैं भैया। यहाँ से 20-25 किलोमीटर है रेंचर स्कूल, तो चलते हैं पहले रेंचर स्कूल घुमाते हैं थोड़ा आपको। बाकी आप नज़ारे तो देख ही सकते हो और एकदम लेवल पे हैं पहाड़ों के, एकदम लेवल पर हैं पहाड़ों के नीचे हैं, रोड ऊपर हैं यहाँ पर, मतलब काफ़ी हाइट पर है क्योंकि, तो अच्छे खासे हाई एल्टीट्यूड पर है क्योंकि ले सिटी जो बसा हुआ है। बाकी माउंटेन देख सकते हो, बादल देख सकते हो आप लोग, वाइट वाइट नीला आसमान। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... यार नज़ारे देख सकते हो आप, क्या नज़ारे हैं भाई साहब, यार यकीन नहीं हो रहा ये ले सिटी में घूम रहा हूँ मैं, वो भी अपनी स्कूटी पर धनों के साथ। बहुत मज़ा आ रहा है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है यार, सच में बहुत मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है भाई। अभी तो सफ़र शुरू हुआ है एक तरीके से, क्योंकि अभी तो 4-5 दिन तो अभी पूरा दिन, बल्कि 5-6 दिन ऑलमोस्ट अभी लेह में ही रुकना है हमारे को, मतलब ले सिटी में तो नहीं रुकना पर ले में ही रुकना है, आसपास में सब जगह एक्सप्लोर करनी है यार, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। बाकी ले सिटी में आपको पेट्रोल से रिलेटेड भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी कोई भी चीज़ आपको चाहिए यहाँ पर आप परचेज़ कर सकते हो, मार्केटिंग भी कर सकते हो, बहुत अच्छी यहाँ मार्केट है ले सिटी में जो मॉल रोड है वहाँ पर, काफ़ी सारी चीज़ अवेलेबल है, मतलब ज़रूरत की हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर, हर चीज़ है एवरीथिंग। और पेट्रोल भी यहाँ पर जगह जगह बने हुए हैं ले सिटी में खास करके, कोई भी पेट्रोल का इशू नहीं है यहाँ पर, सिर्फ ले सिटी की बात कर रहा हूँ।
हाँ यहीं पर होगा शायद। हाँ वो तो आगे है, ये तो मैं देखा शहीद पहले से, मैं बोला देख लेते जाते हो, उनको आने दे और किरण और इसको, अपने को और 1 किलोमीटर बचा है। हाँ वो यही बता रहा था कि शे पहले से आएगा, उसके आगे ही है बस। ये देख सकते हो आप, ये शे पहले से हम रेंचो स्कूल जा रहे थे, उससे 1 किलोमीटर पहले ही शे पहले से पता है पूरा। ये नीचे खड़े हैं अभी हम, तो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ ये इसको भी विजिट करें या नहीं है लोग। अभी हमने डिसाइड किया है कि अभी हम रेंचो स्कूल जाएंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा, उसके बाद वापस आते हुए देखेंगे शे पहले क्या है क्या नहीं। ये देख सकते हो आप लोग, ये राइट साइड में भी है गुंबद से और लेफ्ट साइड में भी है, वाइट कलर की पूरी ये पत्थर से बनी हुई है, और ये आई थिंक कल्चर से रिलेटेड होगा कुछ लद्दाख के। यार वही है शायद पीछे वाला, यहाँ से लेफ्ट दिखा रहा है यार। लो जी हम आ गए रेंचो स्कूल। तो जी स्वागत है आप सबका रेंचो स्कूल में, द 3 इडियट्स स्पॉट। ये देख सकते हो आप, ये है रेंचो स्कूल, यहाँ पर 3 इडियट्स की मूवी शूटिंग हुई है। ये पार्किंग है यहाँ की, बाकी हम अभी देख सकते हो आप, ये 3 इडियट्स का स्पॉट है, जो लास्ट का सीन जहाँ पर शूटिंग हुआ है, जहाँ पर वो चतुर सुसु कर देता है। ये देख सकते हो ये रेंचो स्कूल, ये स्कूल है पूरा। यहाँ पर स्कूल में जाना अलाउड नहीं है, बाकी ये सारा जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पर एक सामने जो ये एक रेंचो कैफ़े करके है, यहाँ पर वो भी रखा हुआ है देख सकते हो। रेंचो स्कूल हो गया जी, अब चल रहे हैं यहाँ से, निकल रहे हैं रेंचो स्कूल से, डायरेक्ट हम आ चुके हैं अभी हॉल ऑफ फेम में। तो यहाँ का टूर कराते हैं आपको छोटा सा ही हॉल ऑफ फेम का। हॉल ऑफ फेम का जो टिकट है, टिकट का प्राइस है 250 रुपीज पर पर्सन। दिल्ली की मेन मार्केट के लिए जा रहे हैं, तो ये रास्ते में शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं सारी,
स्टॉल वगैरह इस टाइप की चीज़ें सारी मिल रही हैं पर काफ़ी अच्छी अच्छी शॉप बना रखी है लोगों ने। नाउ वी आर एट मॉल रोड ऑफ ले सिटी, सी दिस। तो आप लोग, ये पूरा मॉल रोड है और मॉल रोड पे एकदम सामने फ्रंट पे एकदम जामा मस्जिद है। यहाँ पर जामा मस्जिद लेह लद्दाख, बहुत पुरानी मस्जिद है माशाल्लाह। ये पूरा मॉल रोड है वहाँ तक। ये है जी लेह लद्दाख की जामा मस्जिद जो कि एकदम मॉल रोड पर है माशाल्लाह। काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है अंदर से भी। होटल वापस आ चुका हूँ अभी। टेम्परेचर हो रहा है 6-7 डिग्री, रात हो चुकी है, ठंड हो रही है अच्छी खासी। बाहर बैठकर फन कर रहे थे अभी हम सब लोग गार्डन में, बाकी ये खड़ी अपनी धन्नो। बाकी जो भी लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि कैसे लग रहे हैं मेरी लद्दाख सीरीज़। बाय बाय, टेक केयर।